सत श्री अकाल, मैं प्रदीप सिंह तंजल, तुहाडा जावास्क्रिप्ट इंस्ट्रक्टर। सो अज असी इस लैक्चर विच अरिथमैटिक ऑपरेटर्स दे प्रैक्टिकल ते गल करांगे कि असी अरिथमैटिक ऑपरेटर्स नूं प्रैक्टिकली किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो आओ देखिए, सब तो पहला असी ओपन करते हैं नोटपैड, और नोटपैड दे विच एक प्रोग्राम लिखांगे जिस दे विच असी सारे दे सारे अरिथमैटिक ऑपरेटर्स नूं इंप्लीमेंट करके देखांगे। HTML and title example, title close इतने हो गया और head में इतने क्लोज करता। शुरू की थी बॉडी एंड स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट एंड टाइप इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। पहले तो टेक्स्ट लिख दो, टेक्स्ट स्लैश सो सब तो पहला मैं दो वेरिएबल लवांगा वैल्यू स्टोर करने वास्ते, और एक वेरिएबल मैं रिजल्ट वास्ते डिक्लेयर करांगा। वेर ए कॉमा बी कॉमा रिजल्ट, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए मैं, पहले दो वेरिएबल वैल्यूज वास्ते, तीसरा वेरिएबल मैं रिजल्ट स्टोर करने वास्ते। हुण असीं स्टेप बाय स्टेप देखांगे कि इसनूं इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट करन तों पहलां, अरिथमैटिक ऑपरेटर यूज करन तों पहलां, असीं इन्हां दो वेरिएबल्स नूं वैल्यू पास करांगे, स्टैटिक वैल्यूज पास करांगे अपने कोलों। A equal to 20 and B equal to 10. So सब तो पहला असी arithmetic operator use करेंगे add plus sign. So असी comment विच दे सकते थे addition. रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी डॉक्यूमेंट डॉट राइट एडिशन कॉमा रिजल्ट कॉमा, मैं इसे टैग यूज कर रहे हैं एक बीआर टैग फॉर ब्रेक पर्पस, ताकि जो भी रिजल्ट आए वो वक्री वक्री लाइन के विच शो होता रहे। सो इतने मैं स्क्रिप्ट क्लोज कर दूंगा। पहला देखिए इन चला के किस तरह डिस्प्ले हो रहा है। बॉडी टैग क्लोज इतने इतने एचटीएमएल अच्छी क्लोज कर दिया। तो सब तो पहले हम सेव करिए, सेव अरिथमेटिक ऑपरेटर के बीच में सेव, पहले तो सेव सी उन्हें मैं ओवरराइट कर दिया। गूगल क्रोम खोलो, कंट्रोल प्लस ओ ओपन करो अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है जी, तब नजर आ रहा टी, यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस ने अपना काम करना शुरू कर दिया।
सो इस तरीके ना से लिखांगे। दूसरा सब्सट्रैक्शन रिजल्ट टू ए माइनस बी, तो रिजल्ट उसी तरह ही शो करावांगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सब्सट्रैक्शन एंड रिजल्ट हियर कॉमा बी आर। सो तुसी इसके अंदर यूज कर सकते हो एचटीएमएल के टैग्स भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके मल्टीप्लाई रिजल्ट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट मल्टीप्लाई कॉमा रिजल्ट कॉमा बी आर टैग यूज कर रहे हैं, बी आर ब्रेक रूल्स। तो रिजल्ट देखो क्या आ रहा, सेव करो पहले नू और रिफ्रेश। सब्ट्रैक्शन 10 मल्टीप्लाई 200। सो इस तरीके ना अच्छी स्टेप बाय स्टेप दूसरे भी जड़े साडे कोल ऑपरेटर्स है उन्होंने असी देखा। डिवाइड डिवाइड करा रिजल्ट टू ए डिवाइड बाय बी एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉट राइट रीजन कॉमा रिजल्ट कॉमा बी आर सो नेक्स्ट है मॉडुलस साडे को मॉडुलस मॉडुलस की करता है दो वेरिएबल्स नु डिवाइड करता और उसके बाद रिमाइंडर फाइंड करता। रिजल्ट इक्वल टू ए मॉडुलस साइन है परसेंटेज बी डॉक्यूमेंट डॉट राइट मॉडुलस एंड तो सेव कर दें असि आउटपुट देखते हैं रिफ्रेश। रीजन दो बी नू डिवाइड किया 10 नाल 2 तो मॉडुलस 0। ओके नेक्स्ट साडे को ऑपरेटर्स है के दो, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड सेकंड वन इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पहला ऑपरेटर्स के लैक्चर विच मैं दस चुके हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर की होंगे ने और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की होंगे ने। फिर मैं दोहरा दिना इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू नू वधाउंदा है
यानी एक ऐड कर देता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वैल्यू नू घटा देता है यानी एक माइनस कर देगा, इंक्रीमेंट ऐड कर देगा, डिक्रीमेंट माइनस कर देगा, राइट। सो असी ए दी वैल्यू नू प्लस प्लस कर दें इतने और उपर से कमेंट दे दें इंक्रीमेंट एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड हेयर इंक्रीमेंट कॉमा ए कॉमा वी आर, और ए दी वैल्यू से इंक्रीमेंट कर रहे हैं और बी दी वैल्यू विच असी डिक्रीमेंट करेंगे। कमेंट डिक्रीमेंट बी माइनस माइनस टर्मिनेट कर देंगे और ऊपर भी ए नो भी असी स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट डिक्रीमेंट कॉमा बी कॉमा बी है इतने एंड विच जो यूज करना कर लो, नहीं करना कोई भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट है, फिर भी मैं यूज करता क्योंकि फर्दर जी को स्टेटमेंट लिखनी होगी तो एक ब्रेक आ जाएगी। सो सेव एंड रिफ्रेश, साढ़े को रिजल्ट इंक्रीमेंट का भी डिक्रीमेंट का भी रिजल्ट आ गया। इंक्रीमेंट के विच ए दी वैल्यू 20 सी वो 21 हो गई, बी दी वैल्यू 10 सी वो 9 रह गई, यानी इंक्रीमेंट ना एक इजाफा होता है, डिक्रीमेंट ना घटाओ होती है, यानी एक वधा है तो एक घटता है। सो ये सन अर्थमैटिक ऑपरेटर जिहड़े असी फर्दर यूज करने हैं जो भी असी अर्थमैटिक ऑपरेशन करने, मैथमैटिक्स कैलकुलेशन करनी है तो ये ऑपरेटर ही यूज करने, जिमें असी प्रोजेक्ट बनाना है तो कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट बनाना है, जावास्क्रिप्ट दे विच जां कोई टैक्स दे रिलेटड कोई भी एप्लीकेशन बनानी है तो ये जड़े अर्थमैटिक ऑपरेटर साढ़े काम आएंगे। सो इन्हों यूज करना आ जाना चाहिए, स्टैप बाय स्टैप इन यूज करो, जो नहीं पता लगता तो वीडियो में बार बार देख के चैक करके ये प्रोग्राम बनाने की कोशिश करो। सो अज के लैक्चर विच अर्थमैटिक ऑपरेटर इन्ने, अगले लैक्चर तक गुड बाय, सबसक्राइब करो, चैनल में शेयर करो, वीडियोस में शेयर करो ताकि वो स्टूडेंट का फायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।